हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब आ गई है गर्मी, और गर्मी में हमारी जो पूरी बॉडी है वो हो जाती है टैनिंग से फुल अप, और इसमें हमारा फेस भी आता है, हमारे फेस पे भी बहुत टैनिंग हो जाती है। और अगर आप लोगों को टैनिंग से बचना है कि आप लोग टैनिंग से अपने फेस को क्योर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेस ब्लीच पर, कि हम अपने फेस पे फेस ब्लीच कैसे करेंगे। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी में आप लोगों को ब्लीच लेनी है, एंड कितनी क्वांटिटी में एक्टिवेटर डालना है, और किस स्किन पे कौन सी ब्लीच सूट। इस बिना वीडियो को स्किप करें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो गाइज। सबसे पहले आप लोगों को अपना फेस रिमूव करना है किसी भी टिश्यू पेपर से। मैं जैकलीन का टिश्यू पेपर ले रही हूँ, आप कोई भी टिश्यू पेपर ले सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने फेस को क्लीन करना है। क्लीन किस लिए करना है, क्योंकि हम लोग कभी भी बाहर से आते हैं, किसी भी फंक्शन है या फिर मतलब कहीं भी बाहर से अगर हम आएँ तो हमारे फेस पे बहुत सारा डस्ट, बहुत सारे डस्ट की वजह से हमें जो है अपना फेस पूरा क्लीन करना होता है। जितना भी है आप मेकअप रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को सारा अपना फेस है जो क्लीन कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया है, जहाँ तक आपको ब्लीच लगा वहाँ तक क्लीन करें। ये देख सकते हैं कितना डस्ट निकला है मेरे फेस पे से, क्योंकि मैं बाहर से आई थी अभी। गाइस, अब हम अपना फेस जो है वो क्लिनजिंग करेंगे। क्लिनजिंग करने के लिए आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, इस तरीके से कोई भी फ्रूट क्रीम। मैं सॉफ्टन्स की बेबी लोशन क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने फेस पे मसाज देनी है अपसाइड, इस तरीके से गाइस आपको चेक करना है इस तरीके से। और आप ध्यान रहे कि आप लोगों को अपने जो फेस की जो मूवमेंट है वो अपर साइड ही करनी है, लोअर साइड नहीं करनी है। गाइस, इस तरीके से क्लिनजिंग करते हुए इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस अभी क्लिनजिंग कर ली है। गाइस, अब हमने ले लिया ब्लीच, मैंने इतनी क्वांटिटी में ब्लीच ली है। अब आप लोगों को ध्यान रहे कि मैं एक्टिवेटर कितना डालूँगी। अगर आपने इतना लिया है तो आपको इस ब्लीच का हाफ डक करना, इस तरीके से देख सकते हैं उसकी इतनी क्वांटिटी आपको डालनी है, इतना छोड़ देना। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो कि हमारा जो एक्टिवेटर है वो कितना बचा है इसके अंदर। अब हम लोगों को क्या, सबसे पहला काम हमें इसको मिक्सअप करना है। ये देख सकते हैं मैंने एक्टिवेटर इस तरीके से, एक आपको ब्रश ले लेना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आपके पास पूरे फिंगर से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो इस तरीके से फिंगर से भी आप कर सकते हैं। आपको एक्टिवेटर इतनी देर तक मिलाना है जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, इसके दाने दाने दिखने बंद ना हो जाए। ठीक है गाइस, अब ये देखिए ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हमें किस तरीके से अप्लाई करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को इस तरीके से अप्लाई करना है, इस तरीके से पूरे फेस पे इस तरीके से ब्रश की हेल्प से। आप चाहे तो गाइस फिंगर से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से। और गाइस ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों के फेस पे पिंपल हैं किसी के, तो सबसे पहले आपको ब्लीच करने से पहले आपको ना कोल्ड क्रीम, कोई भी क्रीम मतलब अपने पिंपल्स पे लगा लेनी है, जिससे कि आपको जलन ना महसूस हो। और ब्लीच लगाने से पहले गाइस आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि हमें ब्लीच से प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले आप अपने हैंड पे लगा के देखिए। अगर आप लोगों को उससे इचिंग या ज़्यादा ही इचिंग हो रही है, देखो थोड़ी सी इचिंग तो गाइस होती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा इचिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो गाइस आप लोग उसको फिर हटा देना। ठीक है, अगर आपको हैंड पे, सबसे पहले आप अपने हैंड पे टेस्ट करेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ वो ठीक है, उसी के बाद गाइस आप लोग करेंगे। ठीक है, हमारी जो ब्लीच है वो लगकर तैयार हो चुकी है, और आप कोई भी ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फेम की ब्लीच यूज़ करी है, गोल्ड ब्लीच फेम की। और गाइस जैसा कि गर्मी आ रही है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि ऑक्सी जो ब्लीच है वो काफ़ी अच्छी ब्लीच है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। गर्मियों के लिए सबसे अच्छी ब्लीच वही है ऑक्सी ब्लीच, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अब हमें इसको ब्लीच को 15 मिनट रखना है, और 15 मिनट के बाद इसको, गाइस हमारे 15 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमको इस तरीके से अपनी ब्लीच को हटाना है, इस तरीके से ऐसे। पहले आप इसकी मदद से सारे फेस की ब्लीच को हटा लीजिए, इस तरीके से। गाइस हमारी जो ब्लीच है इस तरीके से हमें क्लीन करनी है, इस तरीके से।
पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको उतार के रख देनी है। अब आपको लेना है वाटर, अगर आपके पास स्पंज है तो आप स्पंज यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी टॉवल। इस तरीके से वाटर से अपना जो फेस है वो क्लीन कर लेना है सारा इस तरीके से। तो गाइस इसी तरीके से हमें अपनी सारी जो फेस की ब्लीच है वो क्लीन कर लेनी है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने अपनी ब्लीच सारी क्लीन कर ली है और आप ये भी देख सकते हैं कि फेस। गाइस अब हम लगाएंगे सीरम, मैं रोज़ हिप का सीरम लगा रही हूँ, आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने फेस पे लगाना है सीरम। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप कोई भी आलमंड ऑयल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और गाइस ये ध्यान रहे कि आप लोगों को फेस वॉश नहीं करना है साबुन से, पानी से तो आप कर सकते हैं ठंडे पानी से, लेकिन फेस साबुन से वॉश नहीं करना। अब आप देख सकते हैं कि फेस कितना क्लीन हो गया है, कितना शाइन आ रही है फेस पे, आप देख सकते हैं। सो गाइज हमारी जो फेस ब्लीच है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना ग्लोई और शाइनी कर रहा है। गाइज अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं, ऐसा ग्लोई और शाइनी फेस पा सकते हैं गाइज। और मैं आप लोगों को गाइज एक चीज और बता दूं, ये जो एक्टिवेटर हमारी ब्लीच में से बच जाता है ये आपको वेस्ट नहीं जाना चाहिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप वार्म वाटर लें पेडिक्योर के उसमें और आप इसको एक्टिवेटर को उसके अंदर डाल दें और आपकी जो एरिया पट्टी होती है ये हील करेगा उसको और आपके जो पैर है वो और भी शाइनी करेंगे। सो गाइज अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, जिससे कि मेरे चैनल पर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब अकाउंट पर आपको मिल सके। सो मिलते हैं ऐसी मस्त धमाल करते हुए नेक्स्ट वीडियो के साथ।